अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शज़ीबुल हसन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल योर्स हेल्पर। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कार्टून एनिमेशन जो है ना वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, 3D कार्टून एनिमेशन कैसे हम जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। पिछले जो ट्रेडिशनल ज़माना था उसमें जिस तरह हम कार्टून एनिमेशन क्रिएट करते थे, उस तरीके से आपको बताऊँगा कि हम कैसे वो क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर जो है ना कार्टून 3D एनिमेशन जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, और जो भी आपने लेना है, वीडियोस लेने हैं, पिक्चर्स लेनी है, बैकग्राउंड्स लेने हैं, वो टोटली आपको गूगल से मिल जाएंगे। कुछ भी आपने, जिस तरह का भी आपने एनिमेशन क्रिएट करना है, उसी तरह की आप गूगल से जो है ना वो अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं। पिक्चर्स ले के साथ वीडियो भी आपको वहीं से मिल जाएंगे, वो ले के तो आप वहाँ से उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, काइन मास्टर, अगर तो आपके पास काइन मास्टर है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जो है प्ले स्टोर से इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपने काइन मास्टर को ओपन करना है। जैसे ही आपने दोस्तों काइन मास्टर को ओपन कर लेना, कुछ इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा आपको। यहाँ से आपने प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ से एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। आपने करने के बाद आपने मीडिया पे आना है। मीडिया पे करने के बाद यहाँ से आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना। आपको बहुत सारे यहाँ पे बैकग्राउंड मिल जाएंगे, जौन सा भी आपने चूज़ करना है वो कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये वाला बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद लेयर पे आपने क्लिक करना है, और जितने भी सेकंड्स की मिनट्स की आपने वीडियो क्रिएट करनी है उसकी लेंथ, लेयर की लेंथ उतनी कर लेनी है आपने। यहाँ से आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने लेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मीडिया पे जाना है। मैंने यहाँ से बहुत सी ऑलरेडी चीज़ें डाउनलोड करके रखी हुई हैं आपको समझाने के लिए। तो आपने जिस तरह से भी एनिमेटेड क्रिएट करने वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप ये रोड है, रोड को हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी है तो इसलिए हम इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपने इसकी भी लेंथ उतनी कर लेनी है जितनी कि आपकी वीडियो की लेंथ है। यहाँ से आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है। यहाँ से लेयर पर क्लिक करना। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर आना है। यहाँ से डाउनलोडिंग पे जाके जो उनसे भी आपने चीज़ डाउनलोड की होगी उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको आपने स्क्रीन पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने राइट साइड पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपको नजर आएगा क्रोमा की। क्रोमा की पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से अनेबल पर क्लिक करना है। तो ये देखें, इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया। अब यहाँ से आपने ओके कर, अपने यहाँ से लेयर पे आना है। लेयर पे दोबारा से क्लिक करना है। इसकी लेयर पे आपने जैसे क्लिक करना है, यहाँ से की नज़र आएगा, की के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से इसकी जो लेंथ है उसको आपने फुल एंड तक ले जाना है, ठीक है। एंड तक ले जाने के बाद इस पिक्चर्स को आपने यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के बाद यहाँ से आपने इस वीडियो को आप प्ले कर लेना है। प्ले करके आप देख सकते हैं कि ये लड़की रोड पर चल रही है, ठीक है। यहाँ से इसे पास करता हूँ मैं। पास करने के बाद यहाँ से एग्जांपल के लिए कुछ और भी आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। लेयर, मीडिया, यहाँ से मैंने कुछ शॉप्स भी डाउनलोड की हुई हैं, उन पर क्लिक करते हैं हम। ये देखें, एक शॉप को यहाँ पे लेके आते हैं। सबसे पहले इसे यहाँ पे लेकर आते हैं। उसके बाद करने के बाद इसके जितनी भी आपने लेंथ रखनी है वीडियो के हिसाब से इसकी आप उतनी लेंथ ले जाएँ, ठीक है। ले जाने के बाद यहाँ से आप ये की आपको नजर आएगी, की पर आपने क्लिक करना है। करने के बाद इसको जो आपने फुल लास्ट पॉइंट तक जो है ना आपने ले जाना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट तक लाने के बाद आपने इसको भी जो है ना एडजस्ट कर लेना है, कितना यहाँ से आपने इसको रखना है। लास्ट पॉइंट तक इसे भी ले जाएं आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप आ जाएं, ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ से आपने आ जाना बैक, ठीक है। उसके बाद आपने, अगर कभी आपकी कोई चीज़ बैकग्राउंड पे या फ्रंट पे आ जाती है तो उसे चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, जो से भी चीज़ आप फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक करना है। यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट पे कर लें तो वो फ्रंट पे आ जाएगी। यहाँ से आप ओके कर दें। ओके करने के बाद अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखें आप, जैसे ही हमारी वीडियो प्ले होगी तो ये हमारा जो एनिमेशन है ये क्रिएटेड हो चुका है, ठीक है। इस तरह आप कोई भी इजीली एनिमेशन जो क्रिएट करना चाहते हैं, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे, वो एनिमेशंस काफ़ी ज़्यादा क्लाउड क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ से आपने क्लाउड भी लेके आना, तो वो भी आप पीछे इसके बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ें आपने अगर लगानी हो तो वो यूज़ करके आप लगा सकते हैं। गूगल से आपको हर चीज़ ईजिली मिल जाती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इतनी सी आज हमारी ये वीडियो थी, एनिमेटेड कैसे क्रिएट करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।